नमस्कार दोस्तों, रूरल स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मुकेश कुमार है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि हमारे फार्म में जो हम ठंडी करके और कंपोस्ट को लगाते हैं, तो उसके साथ ही हमने स्पोन जो रखा है उसको, जैसे मान लीजिए 3-4 दिन का टाइम लग गया अभी तक हमें, और 2-3 दिन का टाइम और लग जाएगा इस ढेर को पूरा कम्प्लीट लगाने में दूसरे रूम में, तो कैसे हम स्टोर कर रहे हैं, क्या उसकी कंडीशन है और कहाँ से मंगवाते हैं, तो ये सब का आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि ये वही रूम है और जिसमें हमने एक सेटअप बनाया था मशरूम फार्मिंग के लिए एक बार, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसको स्टोरेज की तरह यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास पहले स्टोरेज के लिए ही था। तो दोस्तों, ये हमारा स्पोन है जो कि इस तरह से है। इसको लगभग 4 दिन हो गए हमें लेके आए हुए, और जिसमें 3 दिन हमने दूसरे रूम में इस्तेमाल भी किया है। और तो दोस्तों, इसको 4 दिन हो गए हैं हमारे स्पोन को लेके आए हुए, और इसको रख रहे हैं हम, ये ऐसी 16 डिग्री पर चल रहा है 24 घंटे ही। आप क्या चीज़ देख सकते हैं कि आपका स्पोन ख़राब ना हो जाए, कि ये जो आपको पानी दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत ऐसे पीलापन सा, तो ये पानी स्पोन छोड़ने लगता है कुछ, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो पानी छोड़ने लगता है, जैसे इसमें भी है थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं है, नीचे भी नहीं है बिल्कुल भी, इतना कोई मामूली सा दिखाई दे रहा है, जैसे ये है इस साइड में। तो स्पोन थोड़े टाइम के बाद जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो पानी छोड़ने लगता है, तो उसको बचाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि जो कि इसमें गेहूँ होती है तो वो पानी छोड़ने लगती है, इसमें आपको बाहर दिखा देता हूँ, तो ये थोड़ा थोड़ा पानी आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत कम है, ये आप इतना कह सकते हो कि चल जाता है, कोई इतना इश्यू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी अगर छोड़ने लगे तो वो नीचे जमा होने लगेगा और धीरे धीरे ये स्पोन ख़राब होने लगेगा। तो उसको बचाने के लिए इसका टेम्परेचर कम रखते हैं, और टेम्परेचर हम एटलीस्ट 17-18 तक तो रख पा रहे हैं, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा बहुत पानी बनता है कभी कभार, ऐसे मान लो कि 1-2% ही पानी बना है इसमें, और वैसे तो 3-4 डिग्री पर रखते हैं, कोल्ड स्टोर के अंदर रखना पड़ता है, तो लेकिन हमारे पास ऑप्शन है नहीं, इसलिए हमने हमारे रूम में ही रखा है। तो दोस्तों, हमने ये हमारा जो स्पोन है वो बाजवा मशरूम फार्म से मंगवाया है, और इसकी कीमत क्या रही, तो 80 रुपये पर केजी हमें वहाँ पर मिला, हमें हिसार मिल जाता है, हिसार हरियाणा में ज़िला है, तो वहाँ पे हमें स्पोन मिल जाता है जो कि 150 किलोमीटर हमसे दूर है, तो वहाँ जाकर हमें लेके आना पड़ता है, तो वहाँ पे हमें 80 रुपये पर केजी मिलता है प्लस लाने का ख़र्चा। और इसके अलावा तो हमने कोई किसी और फार्म से या फिर किसी और लैब से हमने ट्राई नहीं किया, तो मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि कितना दूसरों के मुकाबले कितना किस कंडीशन में है, लेकिन हमने यूज़ अभी तक इसी स्पोन को किया है जो कि बाजवा मशरूम फार्म से आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जब हिसार से ट्रेनिंग ली मेरे पिताजी ने, तो उन्होंने वहीं से एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से स्पोन लेना शुरू किया था, तो और वो भी उन्हीं से मंगवाते हैं, तो रिलायबल था, तो इसलिए हमने स्टार्टिंग से उन्हीं से यूज़ किया है स्पोन, और अभी तक उनका ही स्पोन यूज़ करते आ रहे हैं। तो आपको अगर मंगवाना हो तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, बाजवा मशरूम फार्म, आपको कॉन्टेक्ट वगैरह मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको स्पोन दिखा दिया है कि किस तरह से स्टोर करते हैं, अगर आपके यहाँ पर कोई फैसिलिटी है जो कोल्ड स्टोरेज की रखते हैं, जैसे किराए पर सब्जियां वगैरह रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में, तो उसमें भी आप कोल्ड अपना स्पोन रख सकते हो अगर ज़्यादा है, तो अगर कम है तो आप फ्रीज वगैरह में भी स्टोर कर सकते हो 2-4 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा तो ट्राई कीजिए कि ऐसी ही रहे, वही सबसे ज़्यादा सूटेबल रहती है, तो क्योंकि वो नमी भी कम करती है, और नमी ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देती है हमारे स्पोन में, क्योंकि अगर बैग के अंदर नमी ज़्यादा रह जाए तो वो पानी बनने लगता है, और गेहूं भी अपना पानी, जैसे उसको पहले बॉईल किया जाता है तो वो पानी फिर से छोड़ने लगती है गेहूं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होने लगे तो इसलिए हमें उस चीज़ को बचाने के लिए एसी में कम टेम्परेचर पर रखना पड़ता है। अभी तक हमने 4-5 दिन तक रख लिया स्पोन, कोई इश्यू नहीं है अभी तक, तो अगर हमारे एसी को कंटिन्यू रखते हैं 16 डिग्री पर चलाते रहते हैं तो आसानी से अभी तक रह रहा है, कोई इश्यू नहीं है, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अगर 2-3 दिन हमें और लगेंगे तो मैं आपको एक अपडेट और दे दूँगा पोस्ट के माध्यम से कि क्या कैसा अभी तक रहा, उसके बाद भी मान लीजिए कि 7 दिन हमें लग जाएंगे, तो 7 दिन तक कैसे
कैसा स्पॉन रहा, सही रहा, या ज़्यादा पानी बना, या क्या, या फिर जो भी अपडेट होगा तो मैं वो एक पोस्ट कर दूंगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो मशरूम फार्मिंग करना चाहते हैं, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, और हमें और दोस्तों कमेंट कर सकते हैं आप, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो, या फिर हम कैसे हमारे इस फार्म को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ भी आपको अगर बताना हो तो। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है IM_Mr.Kumar। और इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।